एंजेलस फुलन एक 19 की अमेरिकी राजनीति की एक्शन थ्रिलर फिल्म जो रिक रेमन द्वारा निर्देशित ओलंपस हैज फॉलन लंदन हैज फॉलन के बाद यह हैज फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जो उनके द्वारा निभाई जाने वाली एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। यह उनकी मूवी की सफलता विफलता के बारे में होती है, जो मूवी को श्रेष्ठ बनाते हुए उनके ही सबसे सुंदर मूवी में से एक बनकर आती है। मूवी में सफलता काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी, क्योंकि इसने अच्छा खासा बिजनेस जो किया था उसी बिजनेस के दम पर यह सफलता में से एक बनकर उभरी और आज के समय में सुपरहिट मूवी में से एक थी। इसके ठहराए जाने के बाद साफ करने का समय दौड़ता है। निर्देशक डेरिक रोमन व मार्क रॉबर्ट मार्कोमन, मैट कुक रोमन व क्रिस्टोफर रोथनबर्ग, कैडिन बेनेडिक्ट। मूवी का बजट था 40 मिलियन डॉलर, इसने बॉक्स ऑफिस पर 140.7 की कमाई की थी। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 16 अक्टूबर में की गई, जहां रोमन वाई को 7 जुलाई में काम पर रखा गया। कलाकारों के निश्चित दर्शकों को 18 की शुरुआत में जोड़ा गया। उसी साल फरवरी में बुल्गेरिया में यूनाइटेड किंगडम के आसपास फिल्मांकन शुरू हुआ, जहाँ मूवी सफलता के लिए सबसे ऊपर आकर खड़ी हुई। यह मूवी वहाँ से सफल अभियान को इस मूवी ने जारी रखा, जो इसको इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रारूप में से एक बनाकर उभार देती है। यह मूवी सफलता के परचम को वहाँ से निभाती हुई सबसे शानदार मूवी में से एक थी, या उसकी सफलता के लिए जाने जाती है, जो इसको इसकी सफलता इसके कर्तव्य पथ को याद दिलाते हुए यहाँ से हर तरह की इस मूवी की सफलता का श्रेय इसे ही जाता है। इसने अपनी कलाकृति से सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इसकी कलाकृति काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इसने यहाँ से एक दूर ने किनारे वाले एक बोस विला में अपने शानदार ढंग का मनोरंजन किया। यह मूवी कथन की ढालना के बारे में बात की जाए तो जेराड बटलर सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बेनिंग एक पूर्व आर्मी रेंजर क्ले के बेटे लियाओ के पति के रूप में राष्ट्रपति एलन ट्रूबल के रूप में मॉर्गन फ्रीमैन है। सदन के पूर्व अध्यक्ष उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बेंजामिन आसर के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें पहली दो फिल्मों में अरुण अखाड़ द्वारा चित्रित किया गया था। जैडा पिकेट स्मिथ FBI एजेंट हेलन थॉम्पसन के रूप में एक FBI विशेष एजेंट को माइक बेनिंग को गिरफ्तार करके उसके शिकार करने का काम सौंपा गया था, यह मानते हुए कि वह राष्ट्रपति के खिलाफ ड्रोन हमले में जिम्मेदार था। उपराष्ट्रपति मार्टिन किर्बी के रूप में टीम ब्लैक नेल्सन, जो अंत में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, खुलासा किया उन्होंने ड्रोन हमले में अंजाम। एंजेलस फुलन एक 19 की अमेरिकी राजनीति की एक्शन थ्रिलर फिल्म जो रिक रेमन द्वारा निर्देशित ओलंपस हैज फॉलन लंदन हैज फॉलन के बाद यह हैज फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जो उनके द्वारा निभाई जाने वाली एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। यह उनकी मूवी की सफलता विफलता के बारे में होती है, जो मूवी को श्रेष्ठ बनाते हुए उनके ही सबसे सुंदर मूवी में से एक बनकर आती है। मूवी में सफलता काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी, क्योंकि इसने अच्छा खासा बिजनेस जो किया था उसी बिजनेस के दम पर यह सफलता में से एक बनकर उभरी और आज के समय में सुपरहिट मूवी में